नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खबर एसएस न्यूज। पिछले दिनों राजधानी भोपाल के कोयफिजा थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक महिला की जान बच गई। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थाना कोयफिजा में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रमेश मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से रेलवे ट्रैक पर से एक युवती की जान बचाई। देखिए सऊद सिद्दीकी की खबर एसएस के लिए एक रिपोर्ट। बोली क्या हुआ सर, क्या घटना हुई थी वो लड़की का आपने जो ट्रैक पे जो मिली थी आपको? ये 5 तारीख की घटना है, समथिंग 11:30 बजे के आसपास की। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की रेलवे क्रॉसिंग में पास कराने की ड्यूटी थी, वहीं पे हम खड़े थे। उसी दौरान एक हमारी गुफा मंदिर के सामने कॉलोनी है, उसमें से एक लड़की आई और उसने हमसे बोला कि सर हमारी छोटी बहन है और कुछ छोटे मोटे विवाद को लेकर घर से ये कह के निकली है कि हम रेल में कट जाए। ये चूँकि सूचना गंभीर थी, इसको त्वरित हमने पहल में लिया। वहाँ रैक में काम चल रहा था, क्योंकि रेल के कुछ कर्मचारी रेलवे के वर्कर्स थे, तो उनसे हमने चर्चा किया कि तुम्हारे वर्कर्स में से कोई लोग, और ये निश्चित हो गया कि चूँकि ये ट्रैक जो है तो निषादपुरा की तरफ जो जा रहा है, इसी में वो लड़की हो सकती है। वो रेलवे के कर्मचारी ने भी अपने कर्मचारियों से कांटेक्ट किया टेलीफोन से, तो वहाँ से सूचना ऐसी मिली कि हाँ एक लड़की रेलवे ट्रैक में बैठी हुई रो रही है, ऐसा लग रहा। तो उसी टेलीफोन के माध्यम से हमने उसी कर्मचारी की को बोला कि उनको बोलो कि वो दौड़े वहाँ से, क्योंकि रेलवे का सिग्नल हो चुका था, रेल फाटक बंद हो रहे थे, बैरागढ़ तरफ से मालगाड़ी आ रही थी और निषादपुरा होकर रेलवे प्लेटफॉर्म तरफ जा रही थी और फाटक बंद हो गए। अब हम वो लड़का रेलवे का इधर से दौड़ लगाए लड़की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा 50 मीटर के आगे निषादपुरा जो रैक जाता है उसमें टर्निंग पॉइंट आता है, टर्न होता है, तो दिख नहीं रही थी, लेकिन ये निश्चित हो गया था कि लड़की रेल में लाइन में बैठी। इसी दौरान तो रेल का इंजन आता है, क्योंकि स्लो था, काम चल रहा था, तो मैं इशारा में ही उसको कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन घड़घड़ की आवाज़ में वो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन इशारा ड्राइवर ने काफ़ी अच्छी तरह से आवाज़ कर लिया, बिल्कुल करीब आ गया। तो मैंने इशारा ये किया कि आगे लड़की आपको दिख रही होगी, वो शायद सुसाइड करना चाह रही, थोड़ा प्लीज़ स्लो करो। तो काफ़ी गंभीरता से हमारे पायलट जो भी रहे होंगे ड्राइवर मालगाड़ी, उन्होंने समझा और गाड़ी काफ़ी स्लो कर दिया। मान लीजिए कि इतना स्लो हो, जैसे रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होती है गाड़ी, तो अपन चढ़ते उतरते और ऊपर वाले की कृपा से हम और हमारी टीम जो रेलवे के वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, वो जो रैक में काम कर रहे थे, सक्सेस हुए। लड़की को हमने जैसे बाहर किया और ट्रेन वहाँ से गुजरी। फिर इसके बाद हमने थानापुर वाली अपने डी ए साहब को बताया, वो आए और लड़की को ले गया और थाने में बैठा के काउंसलिंग हुई और उनको परिवारजन को सपोर्ट कर दिया। अब क्योंकि आज के परिवेश में नाम से वो नहीं इसलिए कर रहा कि आगे उसका भविष्य ऊपर वाले कृपा से अच्छा रहे, जहाँ रहे खुश रहे, यही हमारी कामना। हमने जो भी किया सब